हे एवरीवन, दिस इज आयुष गायरी। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी मैं खड़ा हूँ बियानी बजाज मऊ इंदौर में। एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द ऑल न्यू पल्सर NS200 E20 एडिशन। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे E20 की आपको बैजिंग। सो E20 वाला एडिशन है एंड आज इसका रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाला हूँ मैं आपको कि कंपनी ने इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस है, क्या क्या माइनर चेंजेस है एंड राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है बाइक का, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें। सो हर बार की तरह फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे, देन रियर, देन इंजन एंड फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में आपको वही NS का सिग्नेचर हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अभी भी हेलोजन हेडलाइट सेटअप इसमें आता है एंड यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई RS में LED इंडिकेटर आते हैं बट कंपनी ने इसमें अभी भी हेलोजन दिए हैं। एंड जो मेजर चेंज यहाँ पर कंपनी ने करा है वो है यहाँ पर कंपनी ने USD फोक्स दिए हैं इस बार NS200 में E20 वाले एडिशन में, जो कि BS7 है। बट RS में अभी भी ये चीज़ मिसिंग है और मुझे नहीं पता क्यों। एंड वहीं बात करें तो यहाँ पे आपको 100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिल जाता है। कार्बन फाइबर आपको यहाँ पे मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट वाला। 300mm की डिस्क मिल जाती है एंड ब्रेक कैलिपर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड कुछ ऐसा लुक आता है NS200 का USD फोक्स के साथ। एंड अब बाइक काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रही है फ्रंट से। और वहीं बात करें बाइक के फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। एंड बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 200cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS7 FI कंप्लाइंट इंजन। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये जो कूलेंट है वो कूलेंट का इंडिकेटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कूलेंट कम या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे रिफ़िल वगैरह कर सकते हो। एंड जैसा कि देख सकते हैं ये रहा इस बाइक का ह्यूज बल्की फ्यूल टैंक। बात करते हैं कुछ माइनर चेंजेस की जो कंपनी ने यहाँ पर करे हैं, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर अब ऐड कर दिया गया है, RS में भी ये चीज़ आ चुकी है। एंड वहीं बात करें जो बेसिक फीचर है उसके, तो आपको यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्पीड, किलोमीटर, ओडो एंड ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू MT वगैरह सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, ABS लाइट, इंजन चेक लाइट के दोनों मोड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको सेट रीसेट करने के लिए। प्लस आपको यहाँ पर मिल जाएगा बैकलिट स्विचेस जो कि सिग्नेचर है बजाज पल्सर्स के अंदर, तो ऐसे कुछ इसके मिल जाएंगे आपको देखने के लिए बैकलिट स्विचेस। वहीं सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको टैंक बेड देखने के लिए मिल जाता है। सीट की कुशनिंग डिसेंट है, प्लस पिलियन के लिए आप जानते हो हमेशा इतनी कोई कंफर्टेबल रहती नहीं है, बट ग्रैब रेल यहाँ पर काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अननेसेसरी पूरी पैनल गैपिंग है जो पिलियन वाली सीट है, अब पता नहीं वो क्यों है। अब कंपनी को यहाँ पर ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए क्योंकि इतनी गैपिंग मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। NS200 की आपको यहाँ पर बेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अब इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपको मोनोशोक देखने के लिए मिल जाएगा एंड डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है, मोनोशोक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी टेल टेडी। एंड वहीं रियर में आते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टायर हगर 130 सेक्शन का रियर प्रोफाइल टायर। फ्रंट एंड रियर में आपको MRF के टायर मिलने वाले हैं। एंड तो ऐसा कुछ इसका रियल लुक है और ऐसा कुछ रिजेंबल करती है ये बाइक रियर से। एंड एक प्रॉपर स्पोर्ट्स नेकेड बाइक की ये फील आपको देती है। तो अभी जल्दी से आते हैं अपने मोटो ब्लॉग मोड में और बाकी की चीज़ें मैं आपको वहीं पर बताता हूँ। अभी फर्स्ट पर्सन मोड में मैं आ चुका हूँ और डिटेल वगैरह मैंने आपको मेंशन कर दी है। एंड ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह रहेगी जो भी बाइक्स वगैरह की, वो आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगी, प्लस मैं भी एक बार बता दूंगा आपको। एंड शुरू करते हैं अभी, तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। और बाइक का ऐसा कुछ एग्जॉस्ट है आप सुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ बाइक का एग्जॉस्ट है एंड स्टार्ट करते हैं। एंड थोड़ा सा मैं माइक एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड 200cc होने के बावजूद भी ये बाइक इतनी हेवी या इतनी वो वेटेड फील नहीं होती एंड काफ़ी लाइट वेट लगती है। और प्लस अब तो इसमें USD फोक्स भी आ चुके हैं, सो बाइक का सस्पेंशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। एंड ब्रेकिंग की बात करें बाइक की, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक की बाइट वगैरह कैसी है, कैसा क्या ब्रेक्स परफॉर्म करते हैं बाइक के। एंड काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है अभी बाइक। और वहीं बाइक की गियर शिफ्टिंग की बात करें तो अभी तो स्मूथ है, बट
RS के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मेरे को इसमें थोड़े वाइब्रेशन लग रहे हैं, वो मुझे पता नहीं क्यों, बट मेरे को पैर में थोड़े वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, इतने मेरे को RS में फील नहीं होते बट इसमें फील हो रहे हैं। अब पता नहीं वो अंडर बेली की वजह से हो, मे बी मुझे तो उसकी वजह से ही लग रहे हैं, बट अभी देखते हैं, थोड़ा और राइड करते हैं, थोड़ा पुश करते हैं बाइक को, देन एक प्रॉपर रिव्यू निकालते हैं, निचोड़ते हैं इस बाइक के अंदर से, एंड लेट्स गो। अपने यहाँ से थोड़ा बाइक को पुश करेंगे, एंड अगर आपको भी कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है दोनों शोरूम में से, जो राव में है या माऊ में है, तो कॉन्टैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। एंड जो स्टाफ है यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा मेरे को बिहेवियर एंड नेचर वाइज। एंड अब इसको थोड़ा पुश करके देखते हैं, भाई एग्जॉस्ट तो इसका भी तगड़ा है, एग्जॉस्ट तो NS का भी तगड़ा है। एंड अब जो इसमें जो USD फोक्स वगैरह आ चुके हैं उसकी वजह से बाइक काफ़ी बल्की फील होती है, काफ़ी अग्रेसिव लगती है फ्रंट से। आज फिर मैं हूँ माऊ में, मिलिट्री एरिया में मैं बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो शोरूम वगैरह है वो माऊ में लोकेटेड है, एंड यहाँ पे आपको मिलिट्री का बेस कैंप देखने के लिए मिल जाएगा, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर आपको मिलिट्री रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी। एंड पावर की बात करें तो वही आपको यहाँ पर 24 BHP की पावर मिल जाएगी, 80 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा बाइक में। एंड ऑब्वियसली बात है, लिक्विड कूलिंग है तो बाइक में इतने हीटिंग इशू आपको नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक देखने के लिए मिल जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी NS लेने का प्लान कर रहे हैं, एंड उनको बताएं कि E20 एडिशन आ चुका है जिसमें USD फोक्स आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो प्लस जो माऊ में जो ब्रांच है मेन बियानी बजाज की, तो यहाँ पे इनका पास काफ़ी वाइड एरिया है, सो अगर आपको बाइक की सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे जेन्युइन पार्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये हमारी मैकेनिक्स वगैरह की टीम है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, तो लक्की भैया वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ऐसी कुछ वर्कशॉप है जहाँ पर आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह से रिलेटेड एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी सर्विसेज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। और अपना नाम बता दीजिए भैया एक बार, लक्की कौशल। तो लक्की भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपकी बाइक की मेंटेनेंस वगैरह सबका ध्यान रखेंगे। एंड ऐसा कुछ इनका सर्विस एरिया है तो काफ़ी वाइड एरिया में बना हुआ है, तो है महेंद्र जी यहाँ के हेड मैकेनिक वगैरह, सो जितने भी मेंटेनेंस वगैरह की ध्यान रखते हैं ये तो महेंद्र जी है जो कि ध्यान रखते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा स्टाफ लगा मेरे को यहाँ का बात करने, नेचर वाइज सब चीज़ में काफ़ी सही है, अच्छे से ट्रीट वगैरह कराया मेरे को, सो डेफिनेटली रिकमेंडेड है बियानी बजाज आपको माऊ में। और जो इनकी एक और ब्रांच है राऊ में, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं।